नमस्कार दोस्तों, अब ये दोपहर का टाइम हो रहा है। मैं इनको पानी भी दे रहा हूँ क्योंकि सुबह सुबह पानी देने से काफ़ी नुकसान हो जाता है, खर खर या अन्य बीमारी की चपेट में आ जाते हैं, तो इसीलिए पानी को थोड़ा या तो गुनगुना कर लें अगर आप सुबह के टाइम दे रहे हैं, नहीं तो दोपहर के टाइम में दें। और जू भी हो गई थी इनको, काफ़ी जो जू होती हैं तो उनका मैंने ट्रीटमेंट किया, जो स्प्रे किया इनके सभी पंखों में, तो मैं पकड़ के और नहीं दिखा सकता कि कैसे किया, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको। पंखों को फैला लें और गर्दन को आँखों से नीचे नीचे स्प्रे, जैसे नाई हमारी दाढ़ी या बालों में करता है वो वाली ले लें, और उससे धीरे धीरे पूरे बदन को पेट्रोल से छिड़काव करें और इनको धूप में छोड़ दें, तो सारी जू मर जाएंगी, क्योंकि जू से भी बहुत कमज़ोरी आ जाती है, हमारे परिंद कमज़ोर हो जाते हैं और वो मर भी जाते हैं। तो ऐसे ही हुआ, अभी ये मेरे परिंद बंद है, ये देख रहे हैं, मैंने इसको छिड़काव किया था पेट्रोल से और काफ़ी इनको चिड़चिड़ाहट भी होती है, जैसे आदमी को देखा होगा पेट्रोल जब लगती है तो चिड़चिड़ाहट होती है, तो ये भी जानवर हैं, पक्षी हैं, इनको भी चिड़चिड़ाहट होती है, तो थोड़ी देर होगी, उसके लिए आप चिंता ना करें और ऐसा कोई नुकसान भी नहीं होगा। तो जो जू हो रही हैं तो भाई पेड़ को पेट्रोल का छिड़काव कर सकते हैं, और अगर कोई गाँव में रह रहा भाई, जो गांव में रहते हैं वो भाई, जो राख होती है चूल्हे की राख या भट्टे की राख या कोई अन्य, जैसे गांव में चार भाई बैठ जाते हैं, दस भाई बैठ जाते हैं इकट्ठे, वहाँ पे अगर राख है उसमें नमक मिला लें राख में और वो डाल दें इनके पंखों में अच्छी तरह, या ज़्यादा हो तो उनको पटक दें, खुद ही उसमें नहा लेंगे जैसे नहाते हैं, स्विमिंग करते हैं उस तरीके से, तो जू भी वहाँ भी मर जाएंगी। तो इसी टॉपिक, जो टॉपिक है इसी पे मैंने ये वीडियो बनाया कि भाई कैसे जो है जू को मारा जा सकता है। और मेरा आपसे अनुरोध है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट है तो कमेंट करें। नंबर है मेरा 9910489477, इस पर आप मुझे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। धन्यवाद।